डिजाइनर ऑनलाइन से भेज रहे मेरे घर पे। कहाँ से? दुबई। दुबई से नहीं। कल कॉफी अच्छी नहीं थी, नहीं उसने पानी पानी डाल दिया था। हाँ 50 रुपया कल के लिए रख लेना एडवांस। राखी जी कपड़े नहीं है, फाड़ फाड़ के पहन रही हूँ। ये डिजाइन नहीं है क्लियर है क्या? कपड़े नहीं है, फाड़ फाड़ के पहन रही। कोई दुकान खोलेगी तो कपड़े खरीदूंगी ना। आपने खुद से फाड़ा है कि मतलब फड़वाया है? बड़ी पंचायत है, मतलब टेलर से करवाया है क्या आपने? नहीं नहीं ऐसा रेडी मिलता है। राखी जी अरे हमारा गाना रिलीज हो गया, पता चला कि 27 को है ना। अरे कल राहुल से मेरी बात हुई, राहुल वैद्य से, कैप टाउन से। मुझे कहा राखी मैंने अभी अभी मगरमच्छ को मार के आया हूँ। मैंने कहा वाह मगरमच्छ को मार के आया है, ठीक है। मैंने कहा एनाकोंडा को निगल लेना ताकि चाइना वाले उसे खा ना सके और फिर से कोई वायरस ना आए। और मेरा जैस्लीन अली एंड राहुल वैद्य का जो बिग बॉस में हमने खिचड़ी पकाई थी उस गाने की, तो अभी पुलाव बन के बाहर आ गया है। लेकिन आप सबको गाना वो बहुत पसंद आएगा। म्यूजिक एंड सिंगर बाय राहुल वैद्य, इंतजार करेंगे। और लिरिक्स बाय राखी सावंत, क्योंकि मुझे हमेशा जसली अपना जैस्मिन की आंखों में अली के लिए इतना प्यार दिखता था तो मेरे दिल भी रुक नहीं पाया और मैंने उनके लिए लिरिक्स लिख दिया। ये भी अच्छी कॉफ़ी बना प्लीज। हाँ हाँ मेरे को चुना मत लगाओ प्लीज़। हाँ मेरी कॉफ़ी एकदम अच्छी बनाओ। तुम लोग के चक्कर में मुझे पानी जैसी कल कॉफ़ी मिल गई। सो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं हिंदुस्तान के सब माता पिताओं से कहना चाहती हूँ, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, अभी नया येलो फंगस भी निकला है दोस्तों। सो दोस्तों आई रिक्वेस्ट सारे माता पिताओं को हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चे आपके नीचे खेलने जाए, उसके खेलने के आने के बाद उसको तुरंत धुलाए, हाथ पैर धुलाए, फिर उसको खाना दे। वो खेल के आते बच्चों का पता नहीं हो तो वैसे ही खाना खा लेते हैं। तो किसका यू नो वायरस किसको लग जाए, यू नेवर नो। और दोस्तों माँ बाप, बच्चे तब सुरक्षित रहेंगे जब माँ बाप उनके लिए दुआ मांगेंगे। सो दोस्तों आसमानी खुदा यहोवा परमेश्वर से आप लोग दुआ मांगे कि आपके बच्चे सही सलामत रहे। मैं अगर मेरे देश के बच्चों को कुछ हुआ ना, मैं तो आत्महत्या कर लूँगी क्योंकि मैं देख नहीं पाऊँगी, मुझे बहुत रोना आएगा। बच्चों को कुछ हो जाए तो मैं बहुत दिल की कमज़ोर हूँ दोस्तों। राजस्थान में 1400 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। हाँ क्यों, मुझे पता है, बहुत दुख हो रहा है मुझे उन बच्चों के लिए। दुआ मांगे उनके माँ बाप, ऊपर वाले से दुआ मांगे। दवा और दुआ देने वाला भाई साहब वही है ऊपर वाला। आप सोचो ना ईश्वर की दया से, जीसस क्राइस्ट के नाम से आज तक मुझे क्यों कोरोना नहीं हुआ, मेरी फैमिली को नहीं हुआ? क्योंकि मैं घुटनों पर आके, मेरे घुटने छिल गए, ये पैंट में मत जाओ, मेरे घुटने छिल गए। मैं लोगों के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए, खुद के लिए मैं दुआ मांगती हूँ और उन सारे बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ। परमेश्वर सारे बच्चों को ठीक रखेगा, ये सारे फंगस भी चले जाएंगे। माँ बाप का कर्तव्य है कि वो ऊपर वाले से दुआ मांगे, ऊपर वाला बहुत दयालु है। ट्रस्ट मी, जीसस क्राइस्ट आपके बच्चों को ठीक कर देगा और वो सारे बच्चे ठीक भी हो जाएंगे। यू नो मुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बहुत कमज़ोर दिल की हूँ। हाँ मेरी मम्मी ठीक हो गई, अभी कोकिलाबेन में 1 महीना उनको वो लेने जाना है, इंजेक्शन लाइट रेडिएशन अल्ट्रा नहीं, लाइट के अंदर सुलाते ना। कोकिलाबेन में 1 महीना जाना है रोज़, क्योंकि जब कैंसर तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अगर डॉक्टर एक चांस लेना चाह रहे कि अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो रेडिएशन से निकल जाएगा। और मेरी माँ ये देखो सूरज की रोशनी, देखो ईश्वर की रोशनी मुझे फोकस दे रही है, मुझे किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ईश्वर आप सबको भी सुरक्षित रखे और मेरे देश के नहीं पूरे धरती के बच्चों को सुरक्षित रखे और उनके माँ बाप को भी सुरक्षित रखे। दोस्तों हेलो बच्चों के माँ बाप, उनको सैनिटाइज करो बच्चों को, उनके खाने में प्रोटीन लाओ और कार्ब ज़्यादा मत दो। बाहर का पिज्ज़ा विज्ज़ा बर्गर बंद करो स्विगी से, यहाँ से सॉरी स्विगी वालों मुझे माफ़ करना, बट बच्चों को अभी प्रोटीन और अच्छा खाना देने की सख्त ज़रूरत है, स्मूदी और ये, और बच्चों को सुरक्षित रखो। थैंक यू सो मच भाई साहब, मेरे को अभी जाने दो आप, ये मेरा पकड़।
और बच्चों को मास्क पहनाओ और उनको बोलो राखी दीदी ने बोला है मास्क पहनो वरना जूली आ जाएगी। साइड होते देख गिर जाएगा। अरे रहीम करीम What's your name? Yes, Adam. Risha, आप बच्चों का ख्याल रखें जब भी ये खेलने जाएं हैंड पूरा वॉश करें। हाँ ठीक है। और बच्चा मास्क पहनोगे ना? मास्क पहनोगे ना? प्रॉमिस प्रॉमिस ओके मास्क पहनो। कब से मुझे देख रही थी फ्लाइंग किस दे रही थी वो कब से तो मैंने जाके मिल ली। हाँ बोलो ये कैमरा पिछलेगा ये किसका यूवी का चौधरी का नाम। हाँ मुझे बहुत बुरा लगा। हम ईश्वर ने हर इंसान को एक समान बनाया है और हम सब एक समान है। कोई ऊंचा कोई बड़ा कोई बड़ी जाति का कोई छोटी जाति का नहीं है। सब एक जाति के हैं। मैं जातियों में विश्वास नहीं करती। मैं सबसे प्यार करती हूँ। जब चांद सूरज उनको सही तरीके से रोशनी देते हैं तो हम इंसान के औकात नहीं कि हम किसी को जज करें। तो आई थिंक युविका चौधरी से छोटी गलती हो गई है। अगर वो माफ़ी मांग लेगी तो हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया माफ़ी मांग ली तो देश की जनता ने उनको माफ़ कर देना चाहिए बिकॉज वो अच्छी लड़की है युविका चौधरी। और प्रिंस मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी किसी का दिल दुखाने वालों में से नहीं है। बट हमेशा याद रखो किसी भी जाति को बुरा मत बोलो। धन्यवाद। थैंक यू।